halfway through, more than halfway through the course of cross cultural psychology. अब इसको पढ़ने में हमने कुछ major themes या topics cover किए हैं और उन topics के under various sub topics हैं जिनकी एक topic के एक से ज्यादा module में वजाहत की गई है. So just to recap, so then we can see कि हमारी थीम्स क्या क्या थी एंड इट विल बी ईजियर देन टू कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द कोर्स अंडरस्टैंडिंग क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी इज़ द फर्स्ट थीम दैट वी टेक अप व्हेन वी स्टार्ट अ कोर्स ऑन दिस टॉपिक तो सबसे पहले हमने ये समझा कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी क्या होती है फिर कल्चरल साइकोलॉजी क्या होती है दोनों में क्या फ़र्क है ह्यूमन बिहेवियर को जब हम कल्चर की एनक से देखते हैं तो किन चीज़ों को पिक करते हैं स्कोप क्या है इससे कहाँ कहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग होती है जो आप अप्लाई कर सकते हैं क्या क्या अप्रोच यूज़ होती हैं क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी को इसकी रिसर्च में ह्यूमन uh, बिहेवियर को मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में जो है उसको समझने के लिए क्या मॉडल पेश किए गए हैं एंड देन कल्चर की डेफिनेशन क्या हैं इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जिन्हें कल्चर कहा है? इसी के बाद यानी इंट्रोड्यूसिंग व्हाट इज़ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी फिर हमने ये देखा कि कल्चर्स में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस क्या है और ये बार बार एम्फसाइज किया कि क्रॉस कल्चर का मतलब ये नहीं है कि कल्चर एक दूसरे से बहुत फ़र्क होती हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें उनको एक दूसरे से मुमताज़ करती हैं या मुख्तलिफ करती हैं इसमें ये भी देखा जाता है कि कौन सी चीज़ें जो तमाम इंसान तमाम कल्चर में हमेशा से एक ही तरह करते रहे हैं और तो ये मिलती जुलती चीज़ें क्या हैं तो जैसे मैंने कहा कल्चर की एनक से जब ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं तो जितना ह्यूमन बिहेवियर और जितना ह्यूमन माइंड है उनकी चीज़ों को हम तमाम दुनिया के इंसानों में कम्पेयर करके देखते हैं और जिन चीज़ों में फ़र्क आता है और जो चीज़ें एक ही जैसी हैं उन सबको देखते हैं इसके बारे में जो रिसर्च एविडेंस थी उसको देखा हमने ये समझा कि अकल्चरेशन क्या होती है यानी कोई भी एक कल्चर नहीं है आपका आप किसी कल्चर से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे और मल्टी कल्चरलिज़म क्या होता है जो आज की दुनिया का एक अहम चीज़ है कि कल्चर एक दूसरे से मिंगल होते हैं उसके बाद हमने रिसर्च मेथड्स पढ़े कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में क्या क्या मेथड्स यूज़ क्र हुए हैं रिसर्च के इंडिजनस रिसर्च क्या है जिससे मुराद है कि हमारे मुल्क में किस किस्म की उन्हीं टॉपिक्स पर रिसर्च हुई है जिनमें बाहर हुई है लेकिन वो सैम्पल हमारा था तो हमने यहाँ की किसी ने किसी और मुल्क में की और हमने देखा हमारे रिज़ल्ट क्या आए हैं और उनके रिज़ल्ट क्या आए हैं तो हमने स्टडीज़ की एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो देखी इंडिजनस रिसर्च की भी और इंटरनेशनल स्टडीज़ की भी और जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं जो कि अब बिल्कुल अपने अखताम को है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल बिहेवियर तो ह्यूमन डेवलपमेंट के तमाम एरियाज़ देखे सोशल बिहेवियर कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉरल डेवलपमेंट फिर हमने ये देखा कि ये सारे जो बिहेवियर्स के अंदर आते हैं वो कौन कौन से हैं हमने ज़िंदगी को भी देखा और ज़िंदगी से जाने के बाद जो दूसरी दुनिया के बारे में कल्चर्स के आइडियाज़ हैं उनको भी देखा इस दुनिया को बनाने वाले के बारे में क्या नज़रियात हैं यानी खालिक कायनात के बारे में तो हमने गॉड का कॉन्सेप्ट देखा तो डेथ के बाद हमने ज़िंदगी को देखा और उसके बाद हम चले आगे ह्यूम माइंड की तरफ और ह्यूमन माइंड में हम कॉगनीशन और कॉन्शसनेस को कर चुके हैं कि कल्चर से ये किस तरह रिलेट करते हैं खाबों में कॉगनीटिव स्टाइल्स में फील्ड डिपेंडेंस में और फिर हम ये देख रहे थे कि इमोशंस क्या होते हैं तो इमोशंस का कुछ हिस्सा हम कवर कर चुके हैं और कुछ हम कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो लास्ट थीम होगी वो है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी और उसके साथ ही फिर हम लैंग्वेज और आर्ट को भी देखेंगे क्योंकि कल्चर की जो थेरीज हैं और जो क्रॉस कल्चरल रिसर्च है जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो हर कल्चर के अपने रंगा रंग ज़बाने हैं आर्ट है म्यूज़िक है और वो चीज़ें इंसानों को कल्चर्स के दरमियान जोड़ती भी हैं लेकिन हर कल्चर की अपनी शनाख्त भी दिखाती हैं जैसे हर फूल की अपनी खुशबू होती है। तो वी विल मूव ऑन विद द टॉपिक ऑफ इमोशन